नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और किसान कल्याण सम्मान निधि के संभाग स्तरीय आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इसके बाद कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जिला प्रशासन ने ये आयोजन काफी अच्छे तरीके से किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन की तारीफ की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन सेवा अभियान के तहत अलग अलग परियोजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया। वहीं वर्चुअली रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे लोकप्रिय यशस्वी और इस क्षेत्र के ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के जन-जन के लाडले नेता अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज कार्यालय का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ है। मैं विदिशा जिले के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को आज इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी विदिशा का जो वही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विदिशा का दौरा किया। उन्होंने प्रेस चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 19 साल से वो सरकार में थे और उन्हें अब बहनों की याद आई है। उन्होंने धन्यवाद, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमारी कांग्रेस सरकार महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीने दे रही। उन्होंने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो सभी परिवार को 6000 रुपये महीने दिए जाएंगे। 2006 से ये मुख्यमंत्री बने और आज 17 साल होने आ रहे हैं। 17 साल के बाद मामा को अपनी बहनों का ख्याल आया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार हिमाचल में 1500 दे रही है, 1000 ही दे रहे हैं। एक दूसरा, कांग्रेस पार्टी को यदि केंद्र में सरकार बनती है तो हम लोगों ने कहा था हम 6000 रुपये माहवार पूरे परिवार को देंगे, महिलाओं को। इसलिए 1000 रुपये तो एक गैस की टंकी की सन 2006 से। वहीं किलेपाल हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित छात्र सद्भावना एकता दिवस में राजमन बेंजाम अपने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बीच समय निकालकर शामिल होने पहुंचे, जहां छात्राओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक बेंजाम ने कहा कि छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बच्चे बेहद ही तेज तर्रार रहते हैं। छात्र जीवन से ही हमें अनुशासन सीखने को मिलता है। वही कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत नगर क्षेत्र के ग्राम लाडकुड़ई और बाला गांव में जनसंपर्क किया। दरअसल नसरुल्लागंज में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने जा रही, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा समाप्त हो रही। इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने एक नए अभियान को 26 जनवरी से शुरू किया। इस अभियान के तहत ग्राम लाडकुड़ई और वह बाला गांव में जनसंपर्क किया। वही छत्तीसगढ़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ के बैनर तले मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और सहायकों ने आक्रोश रैली निकाली। वहीं तहसील कार्यालय के नजदीक धरना स्थल से कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों से होकर यह रैली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर पूरा करने के लिए जमकर इस दौरान नारेबाजी की। वहीं इस रैली का समापन कलेक्टर कार्यालय के नजदीक हुआ। यहां महिलाओं ने 6 सूत्रीय मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री के नाम कलेक्टर पीएस दुर्ग को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा पत्र में वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार आने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का शासकीयकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये नहीं किया गया।
ये तो ये है सर कि हम लोग को नियमित किया जाए और क्या बोलते हैं हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो पाए। हमारे साथ हमारे परिवार कम से कम 8-9 लोग जुड़े हुए हैं सर, और 6,500 में उनका हम भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, ना तो अच्छे से बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, ना तो घर में अच्छे से खा पी पा रहे हैं। सरकार से तो मेरा यही निवेदन है कि हम लोग की तरफ भी ध्यान दें और हम लोग का मानदेय वृद्धि करने का मतलब मानदेय वृद्धि करें ताकि वैकुंठा गांव में शुक्रवार को स्थानीय नगर पालिका परिषद ऑडिटोरियम में एक दिवसीय करियर मार्गदर्शन मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कौशल विकास प्राधिकरण की तरफ से यह आयोजित किया गया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कलेक्टर और एसपी ने युवाओं के सवालों के जवाब दिए। थाना हनुमाना पुलिस ने एक हत्या का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां जानकारी दी गई कि पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के निर्देशन में एसडीओपी मऊगंज के साथ विवेचना टीम का गठन किया गया था और कार्रवाई करते हुए जांच की गई। 1 फरवरी के दिन हनुमाना थाने में कैलाशपुर एक गांव, वहां से सूचना आई कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। तो जिसके संबंध में सबसे पहले तो वहाँ पे अपराध 302 धारा का पंजीबद्ध किया गया। फिर इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब ने टीम बनाई, उस टीम ने अलग अलग पहलुओं से काम किया, तो काम करके इसमें साक्ष्य संकलित किए। पीएम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि वो महिला के साथ गलत दुष्कृत भी हुआ, और जब उसके परिजन आए। भिंड में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की गई और अवगत भी कराया गया शिकायत से, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई ठोस कार्यवाही आखिर क्यों नहीं की जाती? क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिला पंचायत के अधिकारियों को मंच से सस्पेंड करेंगे? इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर आप वाकई भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हैं, अगर आप में हिम्मत है, तो भिंड जिला पंचायत CEO JK जैन को सस्पेंड करके दिखाइए। गोहद जनपद अंतर्गत रसनौल पंचायत में सरपंच और सचिव के द्वारा करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, जिसकी शिकायत मैंने कई बार जनपद से लेकर जिला पंचायत अधिकारी कलेक्टर से भी की है, लेकिन दोषियों पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जिला पंचायत अधिकारी श्री JK जैन के संरक्षण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। भिंड जिले की मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार मैंने अपनी आवाज़ को उठाया, और पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है कई बार मैंने खुद को उसको उजागर किया, परंतु जिला प्रशासन और मैं समझता हूँ विशेष तौर पर जिला पंचायत के CEO जो JK जैन जी हैं, उनका संरक्षण उस पर प्राप्त है, इस वजह से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री भी मंचों से भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप जो है जिला पंचायत के CEO JK जैन को सस्पेंड करके दिखाइए। आपके अगर हिम्मत है तो पंचायतों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनके जनपद CEO को आप मतलब निलंबित करके दिखाइए। आपके अंदर अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है। वह मुंबई मलाड पूर्व दिन दोषी पुलिस स्टेशन के पास पुष्प पार्क इलाके में तांबे और पीतल के बनावटी 10 लाख सिक्के जब्त किए गए, जिसमें 1 रुपए से लेकर 5 रुपए और 10 रुपए तक के सिक्के शामिल थे। ये ऑपरेशन दिल्ली पुलिस और दिंडोसी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत किया गया। मामले में आरोपी पकड़ा गया है। आरोपी की कार से ये सिक्के बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में ये सिक्के बनने की फैक्ट्री चलाई जाती है, जिनमें दिल्ली की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से जानकारी के अनुसार
ये लोग मुंबई में बड़े पैमाने पर बनावटी सिक्के लाते थे और उसे धार्मिक स्थलों पर छुट्टे पैसे देने के नाम पर असली रुपए ले लेते थे। ये काफी लंबे समय से बनावटी सिक्के का खेल चल रहा था। खबर उस्मानाबाद से है, जहां तुलजापुर तहसील में श्री श्री रविशंकर के प्रोग्राम में हंगामा हुआ। संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने श्री श्री रविशंकर के को काले झंडे दिखाए। फिलहाल संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और प्रोग्राम फिर से शुरू करा दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके चलते एनसीबी की टीम ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अल्प्राजोमल टैबलेट और 2400 सीबीएस टैबलेट जब्त किया है। नवी मुंबई से यह खेप बरामद हुई है। वहीं एनसीबी की तरफ से पकड़े गए टैबलेट की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। गैरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस प्रशासन की तरफ से समय समय पर ठगी से बचने और सावधान रहने के लिए मुहिम चलाकर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी जाती है, लेकिन ठगी करने वाले ठग नए नए तरीके खोजकर लोगों को ठगने में कामयाब हो जाते हैं। ताजा मामला गैरेला थाना क्षेत्र का है, जहां ग्रामीण को पहले उसके घर में मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर उससे संपर्क बनाया गया, फिर योजनाबद्ध तरीके से कीमती नागमणि जिसकी कीमत 1 करोड़ है बोलकर पीड़ित के साथ मिलकर 30 लाख में खरीद कर उसे दूसरी जगह बेचने का लालच देकर 15 लाख रुपए की ठगी की गई। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ 420 का अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाने में ग्राम कन्हारी का एक प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट की कि उसे टावर लगाने के नाम पर 2 लोगों ने झांसा दिया था और उसे टावर लगाने और किराए देने इत्यादि और मोटी रकम देने के झांसा दे रहे थे। उसी दौरान एक और जो उनका साथी है उसने अपने पास नागमणि होने का झांसा दिया, उसके एवज में जो है प्रार्थी से 15 लाख रुपये भी ले लिए और बाद में जब उसे मणि नहीं मिली तब उसने पुलिस को रिपोर्ट की कि वह धोखाधड़ी का शिकार हो गया है और 15 लाख उसके चले गए हैं। पुलिस ने तत्काल इसमें FIR दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगी कि इस प्रकार के किसी भी धोखे में ना आए, ना ही टावर लगाने के नाम पर, ना ही इस प्रकार के किसी गड़े हुए धन नागमणि इत्यादि के चक्कर में, या अन्य किसी भी प्रकार के बैंक फ्रॉड LIC ऑफिसर या कुछ भी बन के अगर आपसे कुछ डिटेल मांगी जाती है या धनराशि मांगी जाती है। जैसे यहां एक FIR हुआ था जिसमें लोन दिलाने के नाम पर प्रार्थी को स्वयं लोन चाहिए था लेकिन उससे लोन के एवज में 5 लाख रुपए ले लिए गए, तो इस प्रकार अलग अलग फ्रॉड के तरीके हैं, उन सभी से बचें। शासन प्रशासन की तरफ से गरीबों के पक्के आवास का अपना पूरा दंतेवाड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत PM आवास में शासन की ओर से अधूरे काम के निर्माण के लिए राशि हितग्राहियों के दिए जाने के निर्देश दिए गए। इसके लिए राशि भी स्वीकृत कर दी गई। समय सीमा में लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिला पंचायत CEO के नेतृत्व में जिला और जनपद पंचायत स्तर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और हितग्राहियों को निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। डिंडोरी जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी में सरपंच महासंघ डिंडोरी के बैनर तले जिले भर के सरपंच अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए और लंबी चर्चा के बाद नगर में पैदल रैली निकालकर विशाल प्रदर्शन करते हुए डिंडोरी कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी कि रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों का ऑनलाइन मास्टर बंद किया जाए और ऑफलाइन मास्टर भरा जाए। वहीं मटेरियल भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही आगामी 5 फरवरी को सरकार की तरफ से आयोजित विकास यात्रा का बहिष्कार किए जाने की बात कही। इतना ही नहीं, सरपंचों ने बताया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो आने वाले दिनों में सरपंच महासंघ की तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा।
नाम है और मैं पूर्व में भी सरपंच रह चुकी हूँ और अभी भी सरपंच हूँ मैं। जो निर्माण कार्य मैं पूर्व में कराई थी मैं अभी तक उसका मटेरियल पेमेंट नहीं हो पा रहा है और ना ही अभी मेरी पंचायत में तो ऑनलाइन की समस्या के कारण, नेटवर्क की समस्या के कारण अभी बिल्कुल मस्टर जारी नहीं हो रहे हैं और ना ही ऑनलाइन से हाजिरी डाल पा रहा है, इसलिए मेरी ग्राम पंचायत में अभी काम पूरा बंद है। वह मुंबई के मलाड पश्चिम बांगुर नगर पुलिस स्टेशन की हद में चलाए जा रहे अवैध कॉल सेंटर पर बांगुर नगर पुलिस की टीम ने छापा मारा। वहां से एक आरोपी को कंप्यूटर और 8 हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभी भी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ये फर्जी कॉल सेंटर का बिजनेस LLP के नाम से आदित्य स्टेट एवरसाइन नगर मलाड पश्चिम में चलाया जा रहा था, जहां पर वेबसाइट पर रजिस्टर किए हुए भारतीय और अन्य देशों के लोगों को हिंदी और इंग्लिश भाषा में इंटरनेट व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात कर खुद को फॉरेन शेयर करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग का एक्सपर्ट बताते थे। गौरतलब है कि ये निवेशकों को विश्वास में लेकर कम से कम $200 निवेश करने की बात करते थे और 24 से 48 घंटे में $200 क्रेडिट करने की बात कहते थे। अच्छा, 1 तारीख को हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ओवरशाइन मॉल है वहाँ पे आदित्य इंडस्ट्रियल गाला था, उस पर एक सियोलेक्स सॉल्यूशंस कंपनी के नाम से एक कॉल सेंटर है। वहाँ पे लोगों को कॉल करके फॉरेक्स जो शेयर्स है, फॉरेक्स दो भाइयों पर दबंगों ने हथौड़े से हमला किया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई जिसके बाद दबंगों ने युवकों पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में कोतवाली पहुंचकर दबंगों के खिलाफ युवक ने तहरीर दी। वहीं पुलिस ने घायल को CHC भेजकर मेडिकल कराया और दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। आपको बता दें ये पूरा मामला राठ कोतवाली के भटियाना मोहल्ले का बताया जा रहा है।